हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है ऐप टेक्नोलॉजी इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब का जो एप्लीकेशन है, अगर गूगल का जो प्ले स्टोर है उसके अंदर अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसको सॉल्व या फिक्स कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किस तरह से उसको फिक्स करना है और उसके बाद आपका जो YouTube का एप्लीकेशन है जो कि अपडेट नहीं हो पा रहा है Google के Play Store के अंदर, तो उसको किस तरह से अपडेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को, अगर हम नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत डीपली बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर जहाँ मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है इसमें मैं बता देता हूँ आपको। इसमें देखिए, अगर आपका ये YouTube जो है वो अपडेट नहीं हो पा रहा फ्रेंड, तो आपको जो ट्रिक्स मैं अब आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ उसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, और आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपका जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसको आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना कि प्रॉब्लम क्यों आती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इसके अंदर जो इशू आता है उस पर हम सबसे पहले जाएंगे। सबसे पहले आपको मोबाइल ओपन करना है और आपके प्ले स्टोर उसमें आना आपको। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपका ये जो सर्च बॉक्स है इसके अंदर आपको आना है और यूट्यूब सर्च करना है। सबसे ऊपर आएगा जैसे आप प्ले स्टोर अपने फ़ोन में ऑन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर यूट्यूब लेके, यूट्यूब देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है यूट्यूब का, आप यूट्यूब लेके यहाँ पर सर्च कर लीजिए। सबसे पहले अब आपके सामने ये जो यूट्यूब का जो एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है आपके सामने। फ्रेंड्स, अब आपके सामने ये आ गया दो ऑप्शन, ये अनइंस्टॉल का या अपडेट का। तो ये जो अपडेट हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अब देखेंगे यहाँ पे वेटिंग फॉर डाउनलोड शो हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि ये जो है इसके अंदर इशू है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें सही करना है। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद उसके बाद हम जाएंगे जो फ़ोन की सेटिंग है उस पर हम जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वेटिंग फॉर डाउनलोड दिखा रहा था, हमें एक बार इसको कट करेंगे और फ़ोन की जो सेटिंग उस पर जाएंगे। एक बार जब आपकी फ़ोन की जो सेटिंग है ओपन हो जाएगी, उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ ऐप मैनेजर। ऐप मैनेजर पे हमें क्लिक कर दें। देखिए, ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अलग अलग फ़ोन में कुछ और ऑप्शन आ सकता है, लेकिन ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर इस तरह कुछ आएगा या ऐप करके लिखा आएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। फिर जो ऐप की लिस्ट है आपके फ़ोन में, जितनी भी लिस्ट है ऐप की, इस पर आपको पहले वाले पे क्लिक कर देना है। उसका जब आपकी ओपन ये हो जाएगी, उसका स्क्रॉल करके आपको जो ये यूट्यूब का जो ये है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है कि अब देखिए आपका ये यूट्यूब का जो ये डिटेल ओपन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो स्टोरेज यूज पे क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे, फिर आपके सामने ये जो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैचे का जो ऑप्शन आ रहा है, ये इसको यहाँ पे क्लियर कैसे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद बैक जाना है दोबारा, जहाँ आपका ऐप की लिस्ट है वहाँ जाना है। देखिए, आप इसमें बैक में जब आ जाएंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर जो आपका फ़ोन का है उस पर जाना है। फ्रेंड्स, आपको ये जो ऐप लिस्ट है इसमें दोबारा आके गूगल प्ले स्टोर है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टोरेज यूजेज है इस पर क्लिक कर देना आपको। और जैसे आपने यूट्यूब का आपने जो कैचे क्लियर कैचे किया था, सेम टू सेम आपको गूगल प्ले स्टोर का भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। फ्रेंड्स, एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे अभी ये जो कुछ MB शो करेगा, तो जैसे आप ये क्लियर करेंगे यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है, चाहे आप गूगल प्ले स्टोर का करते हैं चाहे आप यूट्यूब का करते हैं, दोनों में आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब से जैसे ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कट करके दोबारा से आपका जो प्ले स्टोर है जहाँ से आप अपने एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या अपडेट करते हैं, वहाँ पे आपको जाना है डायरेक्ट। अब आपको देखिए ये जो प्ले स्टोर है इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको आना है, उसके बाद आपको यूट्यूब जैसे अपने पहले सर्च करते सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये देखिए अपडेट अनइंस्टॉल और अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे, देखिए ये अपडेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखेंगे, जैसे अपडेट हो जाएगा ये ओपन ये जो है वो शो करेगा। अगर आप देख पा रहे हो, देखिए ओपन शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आपको बड़ा ध्यान रखना है और आपको इस तरह ही करना है। और जैसे ये जो पहले यहाँ पे अपडेट शो हो रहा था, अब ये ओपन शो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये अनइंस्टॉल तो सेम रहेगा बट ये यहाँ पे अपडेट से ओपन हो जाएगा। मीन्स आपका जो अब YouTube का ये जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो चुकी है।
तो जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो एप्लीकेशन है वो अपडेट नहीं हो रही थी, तो जो मैंने दो मेथड बताया आपको, पहले आपको YouTube का जो कैचे जो डेटा है क्लियर करना है, फिर Google Play Store का कैचे डेटा है उसको क्लियर करके फिर उसके बाद आपको अपडेट करना। अगर इनकेस अगर मान के चलिए अब फिर भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद एक बार आप दोबारा से इसको एक बार ट्राई करिए, ठीक है। जब रीस्टार्ट कर लेंगे तो दोबारा से जब ट्राई करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है और इसी तरह ही फॉलो करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। और ये वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए जिनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज मैंने इसमें आपको दिया है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप लाइक करेंगे तो उससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए इस तरह से वीडियो और लाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।